हाय आई एम वेलकम बैक दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों हमारे वीडियो में बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर टारपीन किस कंपनी में बनती है उसे हमें बताइए, तो इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इस टारपीन वगैरह ये जो भी टारपीन थिनर वगैरह जो भी ये बनता है वो कहाँ बनता है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसके आगे भी कुछ वीडियो आने वाला है जिस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आपको बता दें इससे रिलेटेड जितने भी सारे कंपनियां अभी है हम उसके बारे में एक एक करके हर वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो आज से सबसे पहले ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपको कुछ सिखा कर जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए जानते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों ये है कंपनी का नाम, ये जैक केमिकल्स, ये जैक केमिकल्स जो है ये इस कंपनी का नाम है। ये केमिकल्स कंपनी है जो आपको इस कंपनी के बारे में हम बताने वाले हैं आगे कि इस कंपनी में प्रोडक्शन क्या होता है। तो ये है मिस्टर आर डी विभूत। आप कभी भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो इसी को कर पाएंगे, ये कॉन्ट्रेक्टर है उस कंपनी के। अगर आप कभी कॉन्टेक्ट करते हैं तो इन्हीं को कर सकते हैं। इसका नंबर मैंने मेंटेन इस पर नहीं किया है, नहीं बताया है, क्योंकि आपको उसकी उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई भी अगर कंपनी के आप जुड़ना चाहते हैं या कुछ भी तो आप नंबर से नहीं करते, नंबर से आप नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नंबर से किसी को बात करती है, लेकिन अगर आप उसे बात करेंगे तो वो आपको इग्नोर कर देंगे, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आप खुद जाकर वहां पे अगर कॉन्टेक्ट करेंगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन फोन पे कभी भी रिस्पॉन्स कोई भी बड़ी कंपनियां आपको नहीं देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट नंबर ये है 74 ज्योति बानगर में ये कंपनी अभी स्थित है। अब आइए इसमें अब आगे चलते हैं। ये देखिए धर्मा इंडस्ट्रियल इस्टेट, ये जगह का नाम है तालावाड़े पूना, पूना में ये कंपनी है। ये कंपनी जय केमिकल कंट्रेक्टर आर डी विभूत गेट नंबर 74 ज्योति बानगर धर्मा इंडस्ट्रियल इस्टेट तालावाड़े पूना, ये पूना में है कंपनी, ये पूना की है। अब आइए इसके एक्टिविटीज, ये है एक्टिविटीज। इसमें आपको देखिए क्या क्या मिलता है। ये कंपनी जो प्रोडक्शन करती है रस्ट ट्रीटमेंट केमिकल्स फाउंड्री केमिकल, ये फाउंड्री केमिकल, क्लीनिंग सॉल्वेंट, मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल, इपोक्सी थिनर फॉर इपोक्सी कंटेंट। अब यहाँ पे है पेंट थिनर फॉर वॉल पेंटिंग, यहाँ पे है इनेमल थिनर फॉर पेंट इंडस्ट्री, और यहाँ पे है एसीटोन थिनर। यहाँ पे कुल मिलाकर जो प्रोडक्शन है इनका वो ये कंपनी जो है वो क्या बनाती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे केमिकल बनाती है, इनेमल जो थिनर है वो बनाती है, फाउंड्री केमिकल हो गया, और मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, और पेंट थिनर हो गया, और यहाँ पे हो गया थिनर टर्पेंटाइन और टर्पेंटाइन ऑयल, ये अलग अलग हो गया। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो रस्ट ट्रीटमेंट का जो केमिकल होता है वो ये कंपनी बनाती है, फाउंडिंग केमिकल क्लीनिंग सॉल्वेंट जो होता है उसको बनाती है, मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल है उसको बनाती है, यहाँ पे इपोक्सी थिनर जो है इपोक्सी कंटेनिंग के लिए बनाया जाता है, यहाँ पे है जो पेंट थिनर है, जो पेंट थिनर वो वॉल पेंटिंग के लिए यूज होता है उसको बनाती है, यहाँ पे इनेमल थिनर जो है उसको बनाती है जो कि पेंट इंडस्ट्रियल में काम आता है, यहाँ पे एसीटोन
थीना भी बनाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। इसके आगे भी हम यही वीडियो बनाएंगे और अगले कंपनी को आपको बताएंगे। इसमें अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि वो केमिकल से संबंधित है, वो भी केमिकल ही बनाती है, लेकिन हर कंपनी का कुछ प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, अलग है वो अलग बनाती है। इसमें जैसे मैं ये टोटल प्रोडक्ट जो बनाती है इससे अलग भी कई कंपनियां बनाने वाली है, उसको भी हम आपको बताएंगे और उसको आपके सामने रखेंगे ताकि आप उस कंपनी के बारे में भी जान जाए कि वो भी कंपनियां क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गई होगी और वीडियो को लाइक करके जाइए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है और हम वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और फिर अगली वीडियो मिलते हैं।